क्या बाइक में स्पीडोमीटर की सुई 140 को पार करके यहाँ पे वापस आ सकती है? कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन मैं यहाँ पे चलाता हूँ, आपको दिख रहा होगा, ये धीमे से धीमे से। तो हम लोग देखने वाले हैं कि भाई कितने सेकंड में ये जो मीटर है जियो से 140 पहुंचता है या फिर इसके आर पार निकलता है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप वॉच तैयार है, बस मैं भाई यार कुछ समझ में 3, 2, 1 स्टार्ट। तो भाई अभी तक हम लोगों ने स्कूटी की स्पीड को 120 पहुंचाया था, लेकिन आज का मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पे आज मेरे पास है एक बाइक, और आपको पता होगा बाइक में स्पीड 120 नहीं, 140, 160, 200, डिपेंड कौन सी बाइक है, इससे ज़्यादा ही होती है, लेकिन स्कूटी में 100, 120 ही होती है। जैसे कोई भी गाड़ी हो या फिर स्कूटी हो, उसके स्पीडोमीटर में एक लास्ट रीडिंग होती है, जैसे कि 120, 140, उसके आगे गाड़ी ना तो चलती है ना ही इसकी सुई जाती है। लेकिन अगर हम लोग किसी तरीके से किसी जुगाड़ का यूज़ करके गाड़ी को इतनी तेज़ भगाएं कि जो स्पीडोमीटर में लास्ट रीडिंग है गाड़ी उससे भी तेज चले, तो क्या स्पीडोमीटर की सुई उससे आगे जाएगी या नहीं जाएगी? आज के इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग यही चेक करने वाले हैं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो भाई आई बटन में जाके देख लो, इस तरफ आई बटन होगा, वहाँ पे 3000 RPM का यूज़ करके हम लोगों ने स्कूटी की स्पीड पहुँचाया था 120 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन भाई यहाँ पे आज मेरे पास वो चीज़ तो है ही, लेकिन 3000 RPM से भी आगे जाने के लिए यहाँ पे मेरे पास है एक 12 वोल्ट की DC मोटर, और भाई इसका RPM 3000, 5000, इससे ज़्यादा ले जा सकते हैं सिंपली वोल्टेज बढ़ा के, और देखेंगे कि क्या आज हम लोग बाइक की स्पीड को 140 ही नहीं उसके ऊपर ले जा पाएंगे या नहीं, अपने उसी वाले जुगाड़ का यूज़ करके सिंपली इस स्पीड केबल में लगा देंगे अपना मोटर और अपनी ड्रिल मशीन। तो पहले यहाँ से स्पीड केबल मैं खोलता हूँ, तो यहाँ पे स्पीड केबल ऐसे खुलती है, और ये देखो कुछ ऐसी होती है स्पीड केबल। यहाँ पे आपको एक कटआउट दिख रहा होगा, यहीं पे हम लोग ड्रिल फंसाएंगे और कस के घुमा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसे मैंने यहाँ पे फंसाया, और ये 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 अभी मैंने फुल दबाया नहीं है, और अब मैंने पूरा फुल घुमा दिया है। अब मेरे को आइडिया नहीं है कि स्पीड कितनी गई होगी, आप लोग वहां पर जाके देखो। तो अभी देखते हैं कि हम लोग कितने सेकंड में बाइक की स्पीड को 140, 130 लेके जा सकते हैं एकदम से, जो कि असली में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं जैसे स्टार्ट बोलूँगा वैसे ही आप लोग मीटर की रीडिंग को ध्यान से देखना। और भाई 3, 2, 1 स्टार्ट। और भाई यहाँ पे मात्र 4 सेकंड में बाइक की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा पहुँच गई है। मैंने 4 सेकंड में रोक दिया था, और भाई गजब भाई सच में बहुत मजा आ रहा है। एक बार और स्टार्ट करेंगे, ठीक है 3, 2, 1 स्टार्ट। और यहाँ पे 130 पहुँच गया मात्र 4 सेकंड में, रोक दो। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है भाई ये तो, एकदम मज़ा आ गया भाई। ड्रिल से हमने गाड़ी की स्पीड 130 पहुँचा दी मात्र 3 से 4 सेकंड में। अब क्या करने वाले हैं मोटर से, मोटर का RPM 3000 RPM से ज़्यादा है, तो उम्मीद है ये 140 के आर पार भी पहुंच जाएगा। हालांकि इसमें पावर थोड़ी सी कम है, लेकिन देखते हैं कि DC मोटर क्या कमाल कर पाती है हमारे इस बाइक की मोटर के साथ। मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं कि अब क्या होने वाला है क्या। तो भाई अब ड्रिल का काम ख़त्म, यहाँ पे हमारा जुगाड़ तैयार है, और मैंने इस मोटर में ये स्क्रू हॉट ग्लू की मदद से चिपका दिया है, और भाई इसका RPM तो भाई 3000 के आर पार तो जाने ही वाला है। और यहाँ पे इसे चलाने के लिए ये मेरे पास जुगाड़ है DC वायर का। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें पावर कहाँ से आएगी और कितनी पावर आएगी। भाई यहाँ पे मैं इस वाली मोटर को पावर देने के लिए सोलर पैनल का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले कनेक्ट कर दिया है 125 वाट का सोलर पैनल, देखते हैं क्या स्पीड देखने को मिलती है। उसके बाद हम लोग 180 पे भी कनेक्ट कर देंगे, अगर मन किया तो 400 वाट पे भी कनेक्ट कर देंगे, पता नहीं अब कौन सा धमाल होगा। तो सबसे पहले 125 वाट का सोलर पैनल और ये मोटर।
भाई अब मैं आपको मोटर चला कर दिखाता हूँ। और यहाँ पे जो है ना आवाज़ बिल्कुल नहीं होने वाली, ड्यूल में बहुत आवाज़ होती थी। यहाँ पे बिल्कुल शांति से गाड़ी की स्पीड एकदम देखो तूफान तरीके से बढ़ जाएगी। देखो बस इतनी ही आवाज़ है इस सिस्टम में। और इस सिस्टम को यहाँ पे लगाते हैं, देखो ये मैंने यहाँ पे जोड़ा और देखो आवाज़ बस इतनी सी होगी। तो भाई देखते हैं क्या स्पीड जाती है। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 3 2 1 अभी मैं पूरी नहीं ले गया, अभी भी पूरी नहीं ले गया, अभी भी पूरी नहीं, अभी भी पूरी नहीं। और अब की बात 3 2 1 पूरा फुल। मेरे को नहीं पता स्पीड कितनी गई, आपको पता होगा। एक बार फिर से। और दोस्तों ये सब देख के लग रहा है कि 125 वाट के ऊपर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, इतने में पूरा मीटर घूम गया। दोस्तों अभी तक मैं खुद से नहीं देख पा रहा हूँ, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं पे बैठ के यहीं से घुमाऊंगा और देखूंगा कि आखिरकार कितनी स्पीड जा रही है। मुझे तो भी तो दिखाई पड़े। तो ये पूरा जुगाड़ तैयार है और ये मैं चलाता हूँ यहाँ पे। ओ बेटा दादा, ये तो स्कूटी वाले से भी ज़्यादा खतरनाक है। 140 क्रॉस भी हो रहा है और सुई उससे आगे भी निकली जा रही है। और डिस्टेंस मीटर की रीडिंग इतनी तेज भर रही है कि क्या बताऊं मैं यार, गजब। फिर से ये देखो डिस्टेंस मीटर, देखो 1 2 3 4। और बेचारी स्पीडोमीटर की सुई मुझे लगा कहीं ख़राब ना हो जाए, पूरा घूम चुकी है। और यहाँ पे बोलते बोलते ही 1 किलोमीटर कवर हो गया भाई, गजब। तो हम लोग देखने वाले हैं कि भाई कितने सेकंड में ये जो मीटर है 0 से 140 पहुंचता है या फिर इसके आर पार निकलता है। ठीक है यहाँ पे स्टॉपवॉच तैयार है, बस मैं भाई यार कुछ समझ में 3 2 1 स्टार्ट। अबे 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 रोको रोको रोको, यहाँ क्या सच में 1 सेकंड भी नहीं लगा था? मैं तो देख ही नहीं पाया कब 140 पहुंच गया, एक बार फिर से देखना बनता है। ठीक है तो 3 2 1 स्टार्ट। सच में बिल्कुल 1 सेकंड भी नहीं लगा। रुको 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 रुको, फिर से 3 2 1 स्टार्ट। अब देखो 0 सेकंड और वहाँ पे क्या है, मतलब देख लो 0 सेकंड और पूरा का पूरा 140 के पार निकल गया। भाई ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, 0 का 0 ही रहा। और चलो ये भी टूट गया, देखो निकल गया हमारा जुगाड़। लेकिन सच में मज़ा आ गया कि भाई 1 सेकंड से भी कम समय में हमने गाड़ी की स्पीड को 140 ही नहीं पहुंचाया, उसके आगे भी फाड़ फूड़ के निकाल दिया। तो कुछ ऐसा था आज का ये एक्सपेरिमेंट। तो भाई मज़ा आया तो भाई लाइक जरूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बटन दबा देना। मुझे तो सच में बहुत मज़ा आया आज का ये एक्सपेरिमेंट करने में। तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही, टाटा बाय बाय।